गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको लग रहा होगा कि अंकिता कहाँ पे, तो मेरे आने का कारण ये है कि हम अंकिता को एक सरप्राइज देने वाले हैं। और सरप्राइज किसके लिए, क्योंकि वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो आप सभी को पता है कि वैलेंटाइन डे में तो सरप्राइज देते हैं एक दूसरे को, जो प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो हम भी अंकिता को एक छोटा सा सरप्राइज देंगे। तो चलिए, आप देखते रहिए। हेलो गाइस, आज है वैलेंटाइंस डे और आज हम लोग आए हमारे नाना नानी को वैलेंटाइन डे विश करने के लिए। जा प्रेमो, वैलेंटाइंस डे। थैंक यू प्रेम, थैंक यू। हैप्पी वैलेंटाइन डे बॉय, हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। आता आईला काय, बाबाने बोलाय लावा, काय बोलायचं आईला? बाबा पुढे मध्ये आईला चेहरा दिसू दे। चल आज समोर तिकडे बाबांकडे बघ, पप्पांकडे बघ। थांब तिकडे बघा, आय लव्ह यू, आय लव्ह यू बोल, आय लव्ह यू। अगं दिसू दे गो, आय बोल पप्पा, परत बोला आय लव्ह यू। मुझे सब लोग बोलते कि सबको अपने मम्मी पापा जैसे रिलेशनशिप मतलब चाहिए, पर मैं बोलूंगी कि मुझे मेरे नानी नाना जैसा रिलेशन चाहिए, उनके जैसे केयरिंग, समझदार, मुझे ऐसे रिलेशन चाहिए। ये बहुत केयरिंग है मेरे नाना, मेरी नानी का हमेशा केयर करता है। जिधर भी बाहर जाओ तो पहले नानी को ही पूछते हैं बहुत अच्छे और कितना हेल्प करते हैं नानी को, बहुत हेल्प करते हैं। अभी उनका इतना एज हो गया तो भी मेरे नानी काम को जाते है, इसलिए घर पे सब काम मेरे नाना हेल्प करते है, मेरी नानी को हेल्प काम करने में। हॅपी व्हॅलेंटाईन्स डे, बोला। एवढी वर्ष आली आम्ही कधी व्हॅलेंटाईन डे बनवलं नाही, आता नाती आले म्हणून बनवतो। कसं वाटतंय तुम्हाला व्हॅलेंटाईन डे? आनंद झाला बाबाला, विचार बाबाला, बाबा तुम्हाला काय वाटतंय विचार? मला वाटतं जे सगळं केलं ते चांगलं केलं, आनंद आहे मला, मी खुश आहे। बाबा मारे इमोशनल हो गए, हमने मस्त तयारी व्यारी कर ली है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। जैसा हमने आपको बताया, मैंने बताया था कि मैं बताऊंगी आपको वैलेंटाइन कौन है मेरा इस वीडियो में, तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाली हूँ कि मेरा वैलेंटाइन कौन है। तो एक्साइटेड हो कि नहीं आप उसके लिए, कमेंट करना जरूर। और हमारा डेकोरेशन कैसा लग रहा है, और ये गिफ्ट्स एक दूसरे के लिए, अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया हमने, अभी हम सेलिब्रेट करेंगे वैलेंटाइन्स डे। देखो मेरी मम्मी ने मम्मी में कितना चेंज है, वेस्टर्न पहना है आज। अगर आपको पता करना है कि आज मम्मी ने वेस्टर्न क्यों पहना है, तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करना, तो आपको पता चलेगा। और इंस्टा आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी आपको, सो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करना। चलिए आ जाइए वैलेंटाइन डे मनाने के लिए। हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे, थैंक यू हमारे बहन के लिए वैलेंटाइन डे। ये आज मेरे बच्चों के लिए, मीन्स सिर्फ सितल के लिए अभी है वैलेंटाइन डे, और बाकी है तो आगे कंटिन्यू होगा। तो अब देखते बगुले ना तिला, देखते हैं क्या गिफ्ट है, क्या दिया है। देखो सितल के लिए, और ये ऐसे में समझे आपकी सिर्फ वीडियो के लिए हो रहा है। मैं हर साल बच्चों को वैलेंटाइन डे गिफ्ट देती, लेकिन ऐसा नहीं कुछ भी कार्ड छोटा सा या कुछ भी टेडी ऐसा छोटा सा, फर्स्ट टाइम ऐसा वैलेंटाइन डे है, वो बड़ा हो गया, बस उसकी साइज थोड़ी बड़ी हो गई है सर। यूजफुल गिफ्ट दिया है इस बार, पेन लगाया। अभी सरप्राइज है सुजत के लिए।
देखते है क्या गिफ्ट मिला है गाइस। आपको इस वीडियो के पहले प्रैंक वीडियो देखने मिलेगा सुजत का, हमने उस पे प्रैंक किया था इसलिए बेचारा डर रहा था कि सच में दे रहे हैं कि प्रैंक कर रहे हैं मेरे साथ। तो आज प्रैंक है कि सच है देखते हैं क्या है, देखते हैं। ओपन कर सर, ओपन आज सच में गिफ्ट है, पर उसको आज भी प्रैंक लगा। आज वैलेंटाइन डे है बेटा, तेरे साथ प्रैंक नहीं करेंगे। पहलो पहलो कौन से हाथ में आ रहे हैं देखो, हमें ऐसे विदाउट साइट ही घेतले बघ। थैंक यू काका, बाय पडू म्हातारे नाही करायचं त्या नाहीत ह्याच्यात येणार। हा बरोबर, परफेक्ट सारी सारी। अरे बापरे, कंटिन्यू करायची, हा तिला काढायची नाही आता तू। सिल्वर आहे, गोल्ड नाही म्हणून सांगितलं, कंटिन्यू घालायची सिल्वर वगैरे। कैसे लगा? बहुत अच्छा, पहला एक प्रैंक हुआ था। परफेक्ट है ना। अभी है हमारी मम्मी की बारी। ये तो मुझे पता ही नहीं था। सगळ्यांना गिफ्ट, पप्पाला नाही गिफ्ट विचारांना। पप्पा के लिए भी मैंने छोटू से लाया, बट ओपन कर। थैंक यू, इस बार कुछ नहीं देंगे क्योंकि मैं कभी भी कभी कभी भी ये नहीं करती ना बच्चों से एक्सपेक्टेशन नहीं है, खराब है। हमारी मम्मी कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, बस उसको हमारे लिए कुछ ना कुछ करना होता है। मम्मी नहीं करेगी तो कौन करेगा बच्चों के लिए? और हाँ, मेन चीज आपको देखना है ना मेरा वैलेंटाइन कौन है। तो मेरे वैलेंटाइन है मेरी मम्मी। थैंक यू। कैसे लगा आपको? आपको क्या लगा, कोई लड़का होगा? नहीं बेटा, ये आपकी गलत फहमी है। थैंक यू। हमारी मम्मी हमारे वैलेंटाइन है सबसे ज्यादा, हमें हमारी मम्मी ने सपोर्ट किया है। हमारी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, सब सब हमारी मम्मी है हमारे लिए। बेस्ट फ्रेंड है, फ्रेंड्स भी, बट ज्यादा इम्पोर्टेंट जो कैमरा लेके खड़ा है वो भी बेस्ट फ्रेंड ही है, बट उससे भी थोड़ा सा दादा मम्मी। ओ मम्मी को चाय पीना कप में बहुत पसंद है। अरे तुम लोग, तुम संडे को रील्स बनाने के बहाने गए थे हम लोग। वो संडे को मैंने बोला हम लोग रील बनाने जा रहे हैं, रील्स भी बनाई और मम्मी के लिए गिफ्ट भी लेके आए। वाओ, थैंक यू, वेलकम। ये हमारे मम्मी पापा की बारी। थैंक यू। आपको दिखाती हूँ मैं, आज ही लेके गए थे मेरी मम्मी को शॉपिंग करने। फर्स्ट टाइम
हुआ है ऐसे, वैलेंटाइन डे पे मम्मी पापा शॉपिंग कर रहे थे और मेरे पापा लेके गए थे मेरी मम्मी को शॉपिंग कर रहा हूँ। बैकी बैकी हम लोग भी पहनेंगे सब लोग, हमारा फेवरेट कलर ब्लैक कलर की। थैंक यू अंकिता की, और अंकिता को बिल्कुल पता नहीं कि उसके लिए भी वैलेंटाइन डे और हम लोग ने कितने दिनों से इसकी तैयारी करके रखी है। अभी अंकिता के लिए आप देखिए क्या वैलेंटाइन डे गिफ्ट लाया मम्मी ने पप्पा ने। दिस इज फॉर यू। काली बॉक्स आदि है लगता है। खोलो खोलो बेटा, सिर्फ काली बॉक्स है। काली बॉक्स है, इसे देखिए कुछ ना कुछ रहेगा उसमें। लैपटॉप लैपटॉप अरे चार्जिंग असर देखते हैं चार्जर लैपटॉप चार्जर देखा ना ना मैंने बोला तो किसने सर्वे कर तू आ गया क्या ये अभी ये असली ये अलग ले चलो ये खोलो अभी ये असली वाला है बेटा अभी ये नहीं मजाक ले ली एक्साइटमेंट में पागल हो गई। सर्फ एक्सेल दे दिया मुझे कपड़े धोने के लिए, वॉशिंग मशीन है हमारे घर पे और सर्फ एक्सेल साबुन लेके आए। क्या हो सकता है, आप पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या हो सकता है इसके। गेस कीजिए कि अंकिता के लिए क्या गिफ्ट लेके आए हम लोग। खोलो, कितने ऐसे खोलना पड़ेगा। इसमें भी कुछ नहीं रहता है सिर्फ मुझे पैकिंग खोलने के लिए बोल रहे हैं। ओह माय गॉड, खत्म हो रही कि नहीं पैकिंग। बस भाई बस, किती पैक करून आणलाय कोण आहे तुझ्यातच असेल। फायनली फायनली कुछ तो आया न्यूजपेपर। खत्म ही नहीं हो रहा है आए ये दुख खत्म ही नहीं होता। सुजत के साथ प्रैंक किया उसका बदला ले रहे लगते हैं मुझे। आइसक्रीम फोर्सिल फोर्सिल आइसक्रीम काम से मेल्ट हो गिर जाएगी आइसक्रीम। निकलने में इतना इरिटेट हो रहा है, जिसने पैक किया होगा उसकी मेहनत देखो बेचारी की कितनी है। उसको वो उसकी गलती है जिसने पैक किया है। कौन बोला था इतना पैक करने के लिए, मैंने थोड़ी बोला था। बदला घेतला कोई तकलीफ हो रहा है वो नहीं बोल रही। फैमिली पैक दिख रहा है, फैमिली पैक दिखा दिखा दिखा। ओह माय गॉड, गेस करो कौन सा है। नॉट दिख रहा है मतलब वन प्लस होगा। अरे
वाली गाय से ले लो अभी लास्ट फाइनली आपका गिफ्ट। इसमें भी कुछ नहीं है, हल्का है ये कवर है कवर। फाइनली आपका गिफ्ट सच लग रहा कि झूठ। जितना महंगा फोन पहले बार देखा है ना तो जरा मुझे पता है ये फोन क्यों है, क्योंकि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है इसलिए मम्मी ने लाया है। मेरा फोन अच्छा नहीं है इसलिए आपको अच्छी क्वालिटी भी दिखानी जरूरी है इसलिए मम्मी ने। नहीं सच बात है, वैलेंटाइन पे तो बहाना है। उसका जो मोबाइल था ना, एक दो जब स्टार्ट किया ना हमने तो एक दो वीडियो बनाया, उसके बाद ही उसका मोबाइल पूरा हैंग होने लगा और बैटरी भी उतरने लगी। उसके लिए फिर उसको बहुत तकलीफ हो रही थी सब काम करने के लिए, तो मैंने सोचा नया फोन ले लिया जाए उसको। और फिर ले लिया, ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन जितना मुझे जमा उसी हिसाब से मैंने ले लिया। तो मेरे लिए बड़ी बात है क्योंकि इतना एक्सपेंसिव फोन है वन प्लस, मतलब मेरे से हुआ उतना मैंने लिया है। अभी पता नहीं आगे देखेंगे फिर आगे का भी। मेरे तरफ से वैलेंटाइन डे गिफ्ट उसका फेवरेट स्वीट। समझ में आया मेरे को क्या है? मैंने सबके लिए लाया है उन सबके फेवरेट स्वीट्स। हेलो ये मला एवढं पॅकिंग करून ठेवलेलं आणि स्वतःला एक खोलले येत नाहीये। ये मेरे पापा का फेवरेट गुलाब जामुन। वेलकम दोन्ही दे तुझा आणि काही आणि दोन्ही द्या चॉकलेट्स तुम्हाला। बोला हमारे पप्पा को स्वीट्स खाना बहुत पसंद है उनको, इसलिए और ये गिफ्ट है। और ये है इन दोनों का फेवरेट रसगुल्ला। रसगुल्ला और ऐसे हमारा वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन यहीं पर खत्म होता है। हमने बहुत इंजॉय किया और थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा फोन गिफ्ट करने के लिए मेरी मम्मी को। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है। अभी आपको और अच्छी क्वालिटी में व्लॉग देखने मिलेंगे। अभी तो हम मुझे व्लॉगिंग से कुछ इनकम नहीं आ रही, इसलिए मेरी मम्मी को जितना हुआ उसने उतना मेरे लिए किया। सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई लव माय मम्मी सो मच। बेस्ट मम्मी इन द वर्ल्ड। तो आपको ये हमारा वैलेंटाइन ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज गाइस सब्सक्राइब करना। अभी मेरे मम्मी ने इतना मेरे लिए गिफ्ट लाया तो एक सब्सक्राइब की कीमत तुम क्या जानो। एक सब्सक्राइब और एक शेयर प्लीज मेरे मम्मी के लिए कर देना। आप तो वीडियो देख रहे हो पर आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स को भी भेजना, शेयर करना उनको भी और उनको भी सब्सक्राइब करना बोलना। सब्सक्राइब करने बोलना। बाय बाय।